नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका N1 लाइव पर। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया हो गई है शुरू। इस बार चुनाव आयोग बुजुर्ग मतदाताओं के घर पर ही डलवा रहे हैं वोट। इसी बीच पोलिंग टीमें हिमाचल के जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर करवा रही है मतदान। ये पोलिंग पार्टियां बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घरों में पहुंचकर पोस्टल बैलेट से करवा रही है मतदान। चुनाव प्रचार में जुटी है सभी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र 4 नवंबर को होगा जारी, तो वहीं 5 नवंबर को घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। घोषणा पत्र में ओपीएस के अलावा किसानों, बागवानों, महिलाओं और युवाओं को साधेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। शनिवार को सोलन और मंडी में तो 9 नवंबर को 2 अन्य इलाकों में होगी पीएम की रैली। तो दूसरे विधानसभा चुनावों की तरह इस चुनाव में भी पार्टी विजन डॉक्यूमेंट करेगी जारी। शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजन डॉक्यूमेंट करेंगे जारी। उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है भाजपा। उत्तराखंड की तर्ज पर तैयार की गई है चुनावी रणनीति। उत्तराखंड की ही तरह हिमाचल प्रदेश में भी हर चुनाव में सत्ता में बदलाव के ट्रेंड को बदलना चाहती है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी शिमला में भाजपा और कांग्रेस में शुरू हो गया होर्डिंग वॉर। शिमला की प्राइम लोकेशन लिफ्ट कार पार्किंग पर भाजपा और कांग्रेस ने 45x50 फीट के लगाए हैं विशालकाय होर्डिंग। दोनों दलों ने 10 दिन के लिए होर्डिंग लगाने के एवज में 15 से 20 हजार रुपए चुकाया है किराया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कुल्लू में भाजपा को लगा है बड़ा झटका। यहां जिला परिषद कुल्लू की पूर्व अध्यक्ष रोहिणी चौधरी और पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष हरिराम चौधरी ने भाजपा का दामन छोड़ थाम लिया है कांग्रेस का हाथ। रोहिणी चौधरी और हरिराम चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने से बंजार की राजनीति में एक तरह से आ गया है भूचाल। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अब जी जान से जुट गए हैं प्रत्याशी। डलहौजी 20 सीट को हथियाने के लिए जहां भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों ने लगा दिया एड़ी चोटी का जोर, तो वहीं इस बार आपकी एंट्री ने मुकाबले को बना दिया रोचक। भाजपा ने जहां डीएस ठाकुर को चुनाव मैदान में है उतारा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से नवा चुनाव लड़ रही कांग्रेस से मौजूदा विधायक आशा कुमारी फिर से भाजपा के उम्मीदवार को दे रही है चुनौती। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की अच्छी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गोविंद राम के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR। आचार संहिता के उल्लंघन का है उन पर आरोप। भाजपा प्रत्याशी गोविंद राम के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर पार्टी चिन्ह व डंडे लगाने की दी गई है शिकायत। हिमाचल विधानसभा के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले हर वोटर को उसके वोट का महत्व समझाने तथा अधिक से अधिक वोट के लिए प्रेरित करने के लिए फतेहपुर में नाव से मतदाताओं के घर पहुंचे प्रशासन नोडल अधिकारी। BLO के माध्यम से घर घर दस्तक देकर अपने स्तर पर कर रहे हैं विशेष प्रयास। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन परियोजना के दूसरे फेज में 30 किलोमीटर लंबे ब्राउन फील्ड का पूरा कर लिया गया है काम। अब करीब 47 किलोमीटर लंबे इस फेज में ग्रीन फील्ड के 17 किलोमीटर पर बाकी है निर्माण कार्य, जिसे अप्रैल 2023 तक पूरा करने का है लक्ष्य। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए N1 लाइव।